बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब टीवी की तरफ से मैं आप लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान शेयर करने जा रही हूँ कि सफ़ेद बाल नूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुँचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि चंद लोग उन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है तो वो अपने नूर को उखाड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस बात को नापसंद फरमाते थे कि कोई मुसलमान अपने सर और दाढ़ी के सफ़ेद बाल उखाड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बालों को मत उखाड़ा करो, यकीनन ये क़यामत के दिन नूर होगा। और जिस शख्स ने इस्लाम की हालत में बुढ़ापा को पाया इस सफ़ेद बालों के बदले में, अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिखेगा, उसका एक गुनाह माफ़ करेगा और उसका एक दर्जा बुलंद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हदीस मुबारक पढ़कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।